मेरे वालिद का ख्वाब यही था कि इनके हम लोग इसकी ब्रीडिंग करें, हम उसको नस्ल पकड़े, उसको ये दुनिया पानी इसको नस्ल ख़त्म ना हो ताकि हम उसको पाल सकें। क्योंकि उस टाइम मुझे याद है कि वो लोग BBWWF वाले एक रिपोर्ट शाया करते थे, वो रोके थे कि दुनिया में इस वक्त 3,900 शेर जो है वो रह चुके हैं, बाकी सारे इसका नस्ल जो है ख़त्म होने को है। तो तब से बस ये शौक हो गया। तकरीबन हमारे साथ 1996 से हमारे साथ है, एक और जोड़ी भी है, इससे पहले हम लोग पाल चुके हैं, ये तकरीबन दूसरी जोड़ी है हमारे साथ। हम लोग उसके साथ काफ़ी हद तक आदि हो चुके हैं, इसके आदतों के साथ, इसके खुराक के साथ, पानी के कब इसको नहाना है, कब खुराक देना है, इसको क्या चाहिए, हम उसको हर ज़रूरत जो उसको पूरा करते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चाहते हैं, इसके देखभाल अच्छी तरीके से करते हैं। ये कभी कभी जब बीमार होते हैं तो हम उसको घोड़ा अस्पताल से या लाहौर से खास और कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से डॉक्टर मंगवा लेते हैं, फिर उसको देखते हैं, वो हमें दवाइयाँ दे देते हैं कि ये दे दो। एक्चुअली पाकिस्तान में शेरों की दवाइयाँ तो इतना होता ही नहीं है, वो हमें इंसानियों का या बकरों का या गायों का वो दवाएँ देते हैं या इंजेक्शन देते हैं कि उसको इस तरह लगाते हैं, फिर हमारे वालिद साहब उसको लगवाते हैं या उसको ट्राई करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डिस्कवर बलूचिस्तान को और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज ना भूलिए।